तो ये देख लो यार, मैंने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ आपको। और ये डॉक्यूमेंट भाई सबसे ज़्यादा जरूरी, वो सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। सबसे जरूरी चीज़ भाई जिसके बिना आपको कनाडा में एंटर नहीं होने देंगे, एंटर छोड़ो यहाँ से फ्लाइट नहीं पकड़ने देंगे वो। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई ये कोई ब्लॉग नहीं है, हर बार बोलता हूँ जब भी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, ब्लॉग नहीं होता है। पासपोर्ट आपने पकड़ा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आज की वीडियो भाई सोल मोटिव वीडियो का यही है कि जैसे कि भाई जिसका वीज़ा आ गया, अब उसको कनाडा जाने की तैयारी करनी है ना, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले जरूरी होते हैं। शॉपिंग चाहे कुछ रह जाए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो भाई आपको पासपोर्ट लेके जाना है, जिसपे आपकी स्टैंपिंग लगी है। दिखा नहीं सकता मैं, दिखाने को दिखा दूँ भाई, लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, पता है क्या हुआ, कॉपीराइट लगा दिया उसने यूट्यूब में। सबसे पहले तो भाई आपको किसी अरे गरे बंदे की बात नहीं सुननी। हर बार मैं बोलता हूँ आपको कि किसी भी रिश्तेदार की, किसी भी पड़ोसी की, कि बहन हमारा ये बच्चा गया था, वो ये डॉक्यूमेंट लेके गया था, तुम लेके जाना। तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। कुछ नहीं करना, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ साइड पर, आपको जाकर गूगल पर सर्च करना है भाई डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टडी वीज़ा कैनेडा, ठीक है। सिर्फ इतना आपको सर्च करना है और सीधा भाई आपके सामने आ जाएगी IRCC हाई कमीशन की साइट, स्टडी परमिट गेट द राइट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक मिनट लोडिंग हो रही है, आप देख सकते हो मेरे साथ साथ साइड पर, मैं लगा दूंगा, सारा लोडिंग हो रही है। यहाँ पर लिखा है ना गेट द राइट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। गेट द राइट डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने साथ में। यू नीड दिस डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट, ये तो हो गया हमारा, है ना। उसके बाद हमने तैयारी करनी है, प्रिपेयर फॉर अराइवल पर क्लिक कर देना है। जाके प्रिपेयर फॉर अराइवल पर क्लिक किया, जैसे बिफोर यू कम टू कैनेडा रीड द प्री डिपार्चर गाइड टिप्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा, हाउ अर्ली यू कैन विजिट, वो तो मैंने आपको बताया ही है। कई लोग बोलते हैं भाई 22 दिन 21 दिन से पहले नहीं जा सकते, ऐसा हमारे एजेंट ने बोला है या सामने वाले पड़ोसी ने बोला है। तो भाई आपको पता है मैं कब जा रहा हूँ, डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, चीप फ्लाइट टिकट्स कैसे करनी है और मैं किस दिन जा रहा हूँ, पासपोर्ट स्टैंपिंग कैसे फ्री में होनी है वो भी मैंने बनाई हुई है, मेरा कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है। अगर आपका सेम कोर्स है तो कमेंट करना यार नीचे, और अगर आप भी सितंबर इनटेक में जा रहे हो तो जरूर कमेंट करना यार, हौसला हो जाता थोड़ा कि हमारे भाई दोस्त भी जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ जाके घूमेंगे साथ में भाई, और क्या, यही आपकी उम्मीद है हमको भी और आपको भी मेरी होगी कि चल यार दोस्त बन गया हमारा। बाकी आप कमेंट जरूर करना, और बाकी वीडियोस देखनी है तो भाई यहाँ पर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वो आप लोग जाके देख सकते हो सीधा जाके। मैंने 5-6 वीडियो बनाई हुई हैं, एक तो कि मेरा स्टडी वीज़ा 20 दिन में आया वो वाली वीडियो, और एक पासपोर्ट स्टैंपिंग फ्री में कैसे होती है जैसे एजेंट 2-2 हज़ार ले लेते हैं वो, और फ्लाइट चीप टिकट्स कैसे करानी है जैसे 70-80 हज़ार में लोग 2-2 हज़ार 2-2 लाख की करा रहे हैं, और मैंने 70-80 हज़ार की जितनी भी करवाई है वो मेरे को भी याद नहीं है, वो वीडियो में बताया डायरेक्ट तेरे भाई की डायरेक्ट है भाई एयर कनाडा की। और यहाँ पर आपको बताता हूँ हाउ अर्ली यू कैन अराइव, यहाँ पर साफ लिखा देर इज़ नो टाइम फ्रेम सेट फॉर यू, ठीक है ना। थोड़ा आसा आएगा कि भाई 5-6 बार ये चीज़ बोल चुका मैं कि कोई भी टाइम फ्रेम नहीं सेट है, IRCC बोलता जब आपका दिल करे मुँह उठा के आ जाओ, बस इतना ध्यान रखना यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। जब तक आपका कैंपस नहीं खुल जाता ना, मतलब पढ़ाई नहीं शुरू होती, तब तक काम नहीं कर सकते आप। और बाकी अब मैं बताता हूँ आपको, वैन यू अराइव इन कैनेडा, तो आपको जब अराइव करना है तो आप बॉर्डर पे किसी इमिग्रेशन ऑफिसर में लो राइट, आपको पता ही कि, और आपके पास वैलिड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए सच एज पासपोर्ट तो अपना हो गया, और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। मैंने ये सारी मैंने लेटर आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। यहाँ पर पहले आप पढ़ लो यार, खुद पढ़ लो कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देनी, मैं नीचे ना इसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाके आप सीधा पढ़ सकते हो। अगर किसी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं देखनी तो आगे करके यार वो देख लो, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा आपको बारी बारी। इससे अलावा भी वो चीज़ें हैं भाई जो लेके जानी है वो बताता हूँ, और भाई मेरी मत सुनना, मतलब सुनना जरूर, मतलब टोटली मेरे ऊपर डिपेंड मत करना यार, अपने एजेंट से पूछ लेना। और हाँ, एजेंट की कम सुनना, सबसे ज़्यादा भाई इसकी सुननी है आपने IRCC की, क्योंकि कनाडा जा रहे हो, कनाडा की ऑफिशियल साइट पर सब लिखा होता है। जो पागल बनाए पागल नहीं बनना, एक्टिंग जरूर करना कि हाँ भाई मैं बन गया हूँ पागल, लेकिन आके भाई अपनी जिम्मेवारी से इसको देख लेना, ठीक है। उधर साफ साफ लिखा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में दिखाता हूँ आपको, सारा कुछ दिखाऊंगा। हैव अ कॉपी ऑफ वैलिड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेके जानी है आपने जो कॉलेज है आपका, और बाकी आपके पास यार वैलिड ETO पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। हैव इनफ मनी फॉर योर स्टे, द अमाउंट यू नीड टू कैन वेरी, इट डिपेंड्स ऑन सच एज हाउ लॉन्ग यू विल स्टे एंड वेदर यू विल स्टे इन होटल और विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ठीक है। बी इन गुड हेल्थ, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। कन्विंस एन ऑफिसर डैट यू हैव टाइज सच एज जॉब होम फ्रेंचाइज, ठीक है। ये चीज़ें होगी, मेडिकल एग्ज़ाम वो जो आप मेडिकल दे के आते हैं, उसके बाद मेडिकल डाउनलोड होता है ना जो आपको वापसी में पकड़ाते हैं, वो बड़ी शीट जूट लेके जाना साथ में, और GIC सर्टिफिकेट लेके जाना। अब इसको मैं बंद करता हूँ यार, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं पहले तो भाई लोग। हाँ जी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया, अब मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाना साथ में। मैंने पूरी फाइल प्रिपेयर कर लिया भाई, और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि अगर आप कनाडा जा रहे हो, मेरी फ्लाइट तो आपको पता कितनी तारीख को है, मैंने पहुँच जाना, बस एक महीना ही रहेगा मेरा कनाडा जाने में,
क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई जुलाई में, ठीक है ना, इतना हिंट दे सकता हूँ। बाकी यार वीडियो में देखो, क्योंकि इसमें बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो जिसका मोटिव है ना वीडियो का, तो वो मोटिव खराब होता है। इसलिए सबकी मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो आप देख लो जाके। बाकी शॉपिंग भी अपनी चल रही है, व्लॉग्स आ रहे हैं डेली, और बाकी रिकमेंड मैंने सब कुछ किया हुआ है शॉपिंग में कि आप सर्दियों के कपड़े लेके जाओ कि नहीं लेके जाओ, वो सब वीडियोस में देखना। सबसे पहले हो गया पासपोर्ट, उसके बाद सेकंड चीज बताता हूँ, कागज़ सारे निकाल लिए भाई लोग, देख लो ठीक है। आपको मैं बारी बारी करके सारे कागज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपकी यही होगी टिकट, ये टिकट है मेरी एयर कैनेडा की, टिकट जरूर लेके जाना है साथ में, टिकट की फोटो कॉपी जरूर लेके जाना है साथ में। और ये देख लो मेरा 10th और 12th का सर्टिफिकेट है, ऐसे करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, 10th और 12th का मेरा सर्टिफिकेट है, वो भी जरूर लेके जाना, और ओरिजिनल भी लेके जाना भाई, और फोटोकॉपी करवा लेना। मैंने दोनों चीज़ें उठा ली हैं, फोटोकॉपी करवा ली है और अपना, और ओरिजिनल भी लेके जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये तो चलो कागज़ मैंने बनाया था अपने अपनी लिस्ट के लिए, आप भी एक बार लिख लो यार, साथ साथ लिख लो, मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, दो तीन चीज़ें नोट करवा दी हैं। उसके बाद यही देख लो, ये तो मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाया, आपने बनाना है नहीं बनाना वो आपकी मर्जी है, मेरे को पता नहीं भाई इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रैक्ट बना लो, मैं नहीं बोलता भाई, किसी को भी बनाना है बनाओ, नहीं बनाना आपकी मर्जी है। मैं जो कंपलसरी चीज़ें ना जो जो लेके जानी है आपने वो बता रहा हूँ आपको। ये देखो मेरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये लैम्पटन कॉलेज की, लैम्पटन कॉलेज लिखा हुआ ना, ये लैम्पटन कॉलेज की मेरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये भी जरूर लेके जानी भाई, इसकी फोटोकॉपी करवा, फोटोकॉपी बोल रहा हूँ, आपकी जो मेल वगैरह आपको एजेंट होगा, वैसे तो एजेंट को ही बोलो यार मेरे को फाइल तैयार करके दे, मैंने तो खुद ही किया कसम से उतार। ये देखो ई मेडिकल, मेडिकल ठीक है, ये भी जरूर लेके जाना भाई, मैंने आपको बोला है नीचे स्टैंप लगी होगी, मैंने तो SPS हॉस्पिटल था मेरा, SPS हॉस्पिटल, हाँ यस SPS हॉस्पिटल भाई मेरा। बाकी ये स्कोशिया बैंक का अपना GIC सर्टिफिकेट, नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। यही आइल्स का भी लेके जाना है, और कितने मेरे बैंड कितने आए हैं वो आपको जानना है, तो इसके अगली वीडियो में बैंड भी बना दूंगा। और कहीं होगी भाई आइल्स अगर क्लियर नहीं हो रही, फिर भी आप वीडियो देख रहे हो तो भाई मेरे को बताओ, मैं थोड़ी टिप्स वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, लिसनिंग की रीडिंग की, बहुत ईजी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब बताओगे भाई तभी बनाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे को ये वाली रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं वो जरूर बताओ हमको, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। और अपनी ये लैम्पटन कॉलेज की मेरी सीज है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसीद बोलते हैं पंजाबी है ना, इसलिए रिसीद बोल दिया, बैक करके दिखा रहा हूँ भाई, फ्रंट नहीं दिखा पाऊंगा कसम से यार, मेरे को दिखाने में कुछ नहीं है भाई, लेकिन क्या करूं यार, यूट्यूब की पॉलिसी है, मेरे को ब्लर वगैरह थोड़ा करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि ब्लर वगैरह करूं, इसलिए मैं ऐसे ही मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। रिसिप्ट लेके जाना है भाई अपनी पेमेंट की, जैसे ये मेरी दो रिसिप्ट है लैम्पटन कॉलेज की। अगर आपको ये भी जानना है कि लैम्पटन कॉलेज में मैंने फीस कितनी दी है और स्टडी वीज़ा की टोटल कॉस्टिंग कितनी लगती है, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बस आप बोलते जाओ वीडियो हाजिर होती रहेगी। और दिस इज रेफरेंस टू अ टेम्परेरी वाला, ठीक है भाई, ये आपका PPR लेटर जरूर लेके जाना भाई, 200% ये तो लेके जाना ही जाना, ये PPR लेटर रख दिया तुम्हारे भाई ने इधर, ये वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये जरूर सारी चीज़ें लेके जाना भाई लोग, सारी चीज़ें, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको भाई अगर आपके पास GC की है ना, अगर नहीं है तो सबसे पहले भाई एजेंट को फ़ोन करो, उसको बोल भाई GC की दे दे, अब तो वीज़ा भी आ गया मेरा, GC की दे दे, GC की लेके लॉगिन करोगे ना जब आप, और लॉगिन करने के बाद नीचे सारे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, मैंने अपनी GC की खोल के आपको स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, उसमें क्या क्या होता है, बायोमेट्रिक वैलिडिटी होती है, और भाई PPR रिक्वेस्ट होती है, कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर होता है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, जैसे ये मेरा वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखो वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक, ठीक है, मोड़ के दिखाना पड़ रहा है यार, मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरी बाद में वीडियो उठ जाती है, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ ये सारे काम करने। या आप लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हो, लेटर, और भाई ऐसी कुछ होती है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी लेके जाना साथ में अपना, वो भी जरूरी है भाई, सारा कुछ आपको GC की लॉगिन करोगे ना उसमें मिल जाएगा। और भाई कोविड वैक्सीनेशन भी लेके जा रहा हूँ मैं, तो आप देख लो लेके जाना नहीं लेके जाना, इसका कोई वैसे लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है, और कंपलसरी भी नहीं है वैसे, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो कई लोग तो बोल रहे हैं भाई RT-PCR करवा लो, अरे भाई यार पागल है, 2019 थोड़ा चल रहा है, कोई RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं कहता, फिर भी आपका एजेंट कहता हो तो भाई सुनो, सुननी नहीं सुननी उसकी आपकी मर्जी है, मेरा एजेंट बोलता था, मैं एजेंट नहीं बता सकता कौन है मेरा, ऐसे किसी को भाई मैं नहीं बता सकता, आपको पता है प्राइवेसी इशूज़ होते हैं थोड़े, किसी के मैं नहीं बताऊँगा, वो बोलते थे भाई RT-PCR करा लो, हमने कहा कंपल्सरी है, वो बोले नहीं नहीं कंपल्सरी नहीं है, फिर भी अपनी सेफ साइड ले, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मैंने कोविड वैक्सीनेशन के मैंने 2 निकाले हुए हैं फोटोकॉपी, जो जो है आपके सामने है मेरा, और ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है भाई लोग, जो मेरे 10th और 12th का ये फोटोकॉपी है, और ओरिजिनल मैंने आपको दिखाए थे, ओरिजिनल भी लेके जा रहा हूँ। और ये क्या है अपना, हाँ ये भाई वो है क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल वाला ट्रैकिंग शीट जो मिलती है ना आपको, ट्रैकिंग शीट जरूर लेके जाना। और ये पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, लेट मी शो यू गाइस, दिस इज पासपोर्ट, एक फोटोकॉपी लेके जा रहा हूँ, दो फोटोकॉपी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना, पैन कार्ड ओरिजिनल ले जाना, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना आप लोग, मैंने तो सारा कुछ करवा लिया, और आपके सामने ये फोल्डर हो गया खाली,
अब सब कुछ मैंने करा लिया भाई। और मेन चीज, सबसे जरूरी चीज भाई, जिसके बिना आपको कनाडा में एंटर नहीं होने देंगे, एंटर छोड़ो यहाँ से फ्लाइट नहीं पकड़ने देंगे, वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट भाई लेके जाना है, थोड़ा समझा के जरूरी होता है। पासपोर्ट तो आप ले ही जाओगे। बाकी यार मेरे को बताना वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगी तो कमेंट करना, और वीडियोस आएंगी कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई आपको कौन सी वीडियो चाहिए। और किसी को भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दिया हो बताना, आपको छूट गया हो मेरे से, क्योंकि मैंने तो सारा रेडी कर लिया, अगर फिर भी आपको बताओ कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो भाई कमेंट सेक्शन में यार लिख देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, लोगों की हेल्प हो जाएगी, और मेरे को भी नॉलेज में आ जाएगा, मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को। बाकी बातें भाई हम इंस्टा पे कर लेंगे, इंस्टा पे आ जाओ अंशुल टैलेंट। और किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, मेरा आगे भी भाई रिकॉर्ड रहा है, किसी ने भी कमेंट किया मैंने उसकी हेल्प जरूर की है, और अगर कमेंट मेरी छूट जाता है, नहीं दिख पाता मेरे को, क्योंकि ज़्यादा अगर कमेंट्स होए तो नहीं दिख पाता, इसलिए आप इंस्टा भी आ सकते हो अंशुल प्लैनेट। और भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, मेरे 2000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, कैनेडा जाने से पहले पहले, 1825 है, आप करवाओगे तो हो जाएंगे, और बाकी वीडियो जरूर देख लेना। पासपोर्ट स्टैंपिंग भाई फ्री में कराओ, ठीक है, पैसे मत दो यार पासपोर्ट स्टैंपिंग के, पासपोर्ट स्टैंपिंग फ्री में कराओ। वीडियो चाहिए, वीडियो हेल्प आपको मिल जाएगी आई बटन में, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई मैंने अपने चैनल पे कनाडा रिलेटेड, ठीक है, और वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, मेरी आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी, कब जा रहा हूँ कब नहीं जा रहा। और फ्लाइट टिकट्स करवा लो यार जिसने जिसने कराई है, और करवा लिए तो बताना यार कौन कौन लैम्पटन कॉलेज में जा रहा है, वो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है ना, बाकी करना नहीं करना, बाकी भी कर देना यार, आपको दोस्त मिल जाएंगे यार कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी वीडियोस में देखे हैं, लोग बोलते हैं भाई मेरा ये कॉलेज है, कोई आया तो बताओ, उसमें भाई आपको मिल जाएंगे आपके दोस्त। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, 2000 सब्सक्राइबर करा दो, और आती रहेंगी वीडियोस भाई हेल्पफुल। अभी मैंने पैकिंग की वीडियो बनानी है, कौन सी चीज़ें लेके जानी है, और आपको कोई दिमाग में वीडियो आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, उसकी वीडियो भी बना डालूंगा, और बाकी ऐसे ही है भाई। और बाकी कनाडा जाके भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं, सिम नंबर कैसे लेना है, बस उसका सब कुछ बताऊंगा, जो भी चीज़ें होंगी ना मैं जो करता रहूंगा सब कुछ आपको बताऊंगा मैं कनाडा जाके। बाकी आपको पता ही है अपने भाई ने कहाँ से घूम के जाना है कनाडा, बाकी उसकी वीडियो भी आ जाएगी भाई एक आधे दिन में। बाकी तैयारी चल रही है उसकी भी, कनाडा की चल रही है, जोरों शोरों पर चल रही है भाई, ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग ज़्यादातर हो गई है, उसके ब्लॉग्स आप देख सकते हो। बाकी यार अब बातें बाद में करते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आपकी हेल्प होने वाली है कनाडा जाके, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको कनाडा में, अगर मैं जैसे आपसे पहले जा रहा हूँ एक महीना, तो तब तक सारी वीडियोस मैंने रेडी करके रख देनी आपके लिए, सिन नंबर कैसे लेना है, जीवन कैसे लेना है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ भाई डाल देना तुम्हारे भाई ने। बाकी मिलता हूँ अगले व्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। व्लॉग बोलने की आदत है क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग बनाते हैं हम, बाकी घूमने जा रहे हैं अभी इंटरनेशनल कहीं पर घूमने जा रहे हैं, वो आप देख लेना चैनल पर सब्सक्राइब करके। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। Choppers, choppers, better took those.